हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम कक्षा 10 का प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएँ भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। तो हमें आमों की संख्या और पेटियों की संख्या दी गई है। आगे हमसे कहा गया है कि एक पेटी में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है? तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमें ये आंकड़े दिए गए हैं। ये हमें आमों की संख्या और ये पेटियों की संख्या दी गई है। जैसे कि देखिए, यहाँ 50 से 52 है और इसके सामने 15 है, यानी कि 15 पेटियाँ ऐसी हैं जिनमें 50 से 52 आम है। ठीक है, यानी कि हो सकता है किसी पेटी में 50 आम हो, किसी में 51 हो, इस तरह से। इसी तरह से ये सारा है। तो हमें क्या करना है, हमसे पूछा गया है कि पेटियों में रखे आमों की माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें मैंने ये 4 एक्स्ट्रा कॉलम बनाया है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम कौन सी विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। तो हम पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले xi निकालते हैं, यानी कि वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो देखिए, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करते हैं हम कि जो हमें ये वर्ग अंतराल दिया गया होता है, इसके बिल्कुल बीच में देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर देखिए 50 से 52 है, इसके बिल्कुल बीच में क्या है हमारा, 51 है। तो इसीलिए यहाँ पर xi 51 हो जाएगा। या फिर आप इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग भी कर सकते हैं, उससे भी आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें देखिए 53 से 55 के बीच में क्या है, 54 है। तो इसीलिए यहाँ पर xi 54 हो जाएगा। इसी तरह से इन दोनों के बीच में क्या है, 56 से 58 के बीच में, तो ये 57 है। तो इसीलिए 57 हो जाएगा। और 59 से 61 के बीच में क्या है, 60। और 62 से 64 के बीच में क्या है, 63। तो ये हमने xi निकाल लिया है। अब हम क्या निकालते हैं, तो अब हम di निकालते हैं। और एक बात और कि जो ये क्वेश्चन है, ये आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। अलग इसमें क्या दिख रहा है कि जो ये वर्ग अंतराल है, ये आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। इसके बारे में मैं आगे बात करूंगा अच्छे से डिटेल में। सबसे पहले हम यहाँ पर di निकाल लेते हैं। तो di निकालने का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा xi माइनस में a। तो अब बात आती है कि a क्या होता है। तो a हम इस xi वाले कॉलम में से लेते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जनरली जो बीच में होता है xi में, उसी को ले लेते हैं। तो यहाँ पर 57 है बीच में, तो इसको ले लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा a। और ये जरूरी नहीं है कि हम बिल्कुल बीच में जो है उसी को a लेंगे, हम इसमें से किसी को भी a ले सकते हैं। ठीक है, हम अपनी सुविधा के लिए सिर्फ जो बीच में है उसको a लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर di निकालेंगे। तो सूत्र है xi माइनस में a। तो xi देखिए 51 है और a का मान 57 है। तो 51 में से 57 को माइनस करेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। फिर अगला है 54। तो 54 में से a को घटाएंगे यानी कि 57 को, तो माइनस का 3 आएगा। फिर अगला है 57, तो इसमें से हमें a को घटाना है, यानी कि इसी को घटाना है, क्योंकि a का मान 57 ही है, तो इसीलिए इसमें हमारा 0 आएगा। फिर इसके बाद अगला है 60। तो 60 में से हमें अब a को घटाना है यानी कि 57 को, तो 3 आएगा। फिर 63 में से इसको घटाएंगे तो ये 6 आएगा। तो ये हमने निकाल लिया di। अब हम क्या निकालते हैं, तो अब हम ui निकालते हैं। तो ui निकालने का क्या सूत्र होता है, तो ये होता है हमारा di बटे में h। ठीक है, तो देखिए di तो हमारा ये रहा, अब h क्या होगा इसमें। तो इसमें आपका यही चीज ध्यान रखने वाली है कि h जो होगा वो आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देकर और फिर h का मान लिखना है। तो देखिए, इसमें हमारा जो ये वर्ग अंतराल दिया गया है 50 से 52, 53 से 55, इस तरह से जो हमें ये वर्ग अंतराल दिया है, तो इसमें आपको अलग क्या दिख रहा है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस आपने किया है उसमें आपका वर्ग अंतराल कैसा होता था,
कि इसमें जिस पर ख़त्म होता था उसी से अगला वाला शुरू होता था। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर 3 से 5 है, तो ये जो 3 से 5 है वर्गंतराल, इसमें देखिए 5 से ख़त्म हो रहा है, तो अगला जो है वो 5 से ही शुरू होता था, जैसे 5 से 7, फिर अगला जो है ये 7 से 9, फिर 9 से 11, इस तरह से आपने जो शुरू के 4 क्वेश्चंस हैं उनमें कुछ इस तरह का वर्गंतराल आपने देखा था कि जिससे ख़त्म हो रहा है पहला वर्गंतराल उसी से दूसरा वाला वर्गंतराल शुरू हो रहा था, ठीक है। लेकिन इस वाले वर्गंतराल में ऐसा नहीं है, देखिए 50 से 52 है तो ये 52 पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन इससे जस्ट अगले वाले से शुरू हो रहा है, यानी कि 52 के बाद 53 से शुरू हो रहा है, और ये 55 पे ख़त्म हो रहा है तो जस्ट इसके अगले वाले से यहाँ पर देखिए शुरू हो रहा है 56 से 58, फिर 58 के बाद इसके जस्ट अगला 59, तो देखिए 59 से शुरू हो रहा है। तो इसमें हमारा इस तरह का जो वर्गंतराल होता है उसको हम समावेशी वर्गंतराल कहते हैं, और जो इस तरह का वर्गंतराल होता है जो कि आपने शुरू के 4 क्वेश्चंस में देखा है उसे हम अपवर्जी वर्गंतराल कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आपका इस तरह का वर्गंतराल दिया गया होता है क्वेश्चन में, यानी कि समावेशी वर्गंतराल दिया गया होता है, तो आप जो है एच का मान कैसे लिखेंगे, एच का मान जो है वो आप इन दोनों के अंतर को देखेंगे, ठीक है, इसी तरह से इन दोनों के अंतर को देखेंगे, इसी तरह से इन दोनों के अंतर को देखेंगे, यानी कि ये जो है इनके बीच का अंतर देखेंगे क्या है, वही एच का मान हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले जो हमारे वर्गंतराल होते थे उनमें हम इन दोनों के बीच के अंतर को देखते थे, यानी कि इन दोनों के बीच के गैप को देखते थे, लेकिन जब इस तरह का वर्गंतराल होता है तो हम इन दोनों के बीच के गैप को देखते हैं। तो ये देखिए 50 से 53 है, 53 से 56 है, इनके बीच में कितने कितने का गैप है, तो इनके बीच में 3-3 का गैप है, तो इसीलिए एच का मान हमारा 3 हो जाएगा। या फिर अगर आपको ये याद नहीं रहेगा तो आप यहाँ पर xi में से भी h का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए xi में हमारा 51 से 54, 54 से 57, 57 से 60, इस तरह से इसमें भी 3-3 का ही गैप है, तो इसीलिए आप xi में से भी h का मान निकाल सकते हैं। xi वाले में भी जितने जितने का गैप होता है वही हमारा h का मान होता है। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आई होप आपको ये समझ में आ गया है अच्छे से, ठीक है। तो h का मान हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। अब हम यहाँ पर ui को निकालते हैं, तो देखिए ये हमारा है di बटे h, तो di कितना है, माइनस का 6, और बटे में h है तो h का मान 3 है, यानी 3 से di में यानी कि माइनस 6 में भाग करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। फिर अगला है माइनस का 3, तो इसमें हमें h से भाग करना है यानी कि 3 से, तो ये आएगा माइनस का 1। फिर अगला है 0, तो 0 में h से भाग करना है यानी कि 3 से, तो 0 ही आएगा। फिर अगला है 3, तो इसमें हमें h से यानी कि 3 से भाग करना है तो 1 आएगा। फिर 6 में 3 से भाग करेंगे तो 2 आएगा। तो ये हमने निकाल लिया ui, अब हम लास्ट में क्या निकालते हैं, तो लास्ट में हम fi ui निकालते हैं। तो अब हम निकाल लेते हैं fi, देखिए 15 है, ui माइनस का 2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 15 × 2 = 30। इसके बाद अगला है 110 और ये है ui माइनस का 1, तो 110 का माइनस 1 में गुणा करेंगे तो माइनस का 110 हो जाएगा। फिर अगला है 135 और ui है 0, तो गुणा करने पे 0 ही आएगा। फिर इसके बाद 115 और ये 1, तो गुणा करने पर 115 आएगा। फिर अगला है 25 और ये 2 है, तो गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए हम यहाँ पर माध्य का सूत्र लगाते हैं, हम पग विचलन विधि का यूज कर रहे हैं इसीलिए यहाँ पर हम पग विचलन का सूत्र लिखेंगे। तो माध्य बराबर क्या होता है सूत्र, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुणा में एच। तो देखिए ए का मान कितना है, 57 है, यहाँ पर लिख लेते हैं हम ए का मान 57 है, तो एक ही जगह पे 57 लिखेंगे, प्लस यहाँ पर है सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई, तो हमें अब सिग्मा एफ आई यू आई का मान पता करना है, यानी कि ये जो एफ आई यू आई वाला कॉलम है इसमें सबको जोड़ना है।
तो सबसे पहले देखिए, माइनस का 30 माइनस का 110, माइनस माइनस प्लस, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 140, और ये 115 और ये 50, तो ये दोनों प्लस में है, तो इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 165, यानी कि 165 ये, और इनको सॉल्व करने पे क्या रहा था, माइनस का 140, तो 165 में से 140 को घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 5, और ये 6 में से 4 2, तो ये आ रहा है 25, यानी कि यहाँ पर हमारा आ रहा है 25। इसके बाद हमें सिग्मा एफ आई का मान भी निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं सिग्मा एफ आई, तो इनको हमें जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले 5 और 5 10, 10 5 15, 15 और 5 20, 20 का 0 हासिल 2, 1 और 1 2, 2 3 5, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 और 2 हासिल 10, 10 का 0 हासिल 1, तो ये 1 और 1 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, तो ये हो गया हमारा 400, ठीक है। तो ये हमारा आ गया सिग्मा एफ आई का मान, और ये सिग्मा एफ आई यू आई का मान। तो सबसे पहले इसका मान रखेंगे, तो ये हमारा है 25, फिर है सिग्मा एफ आई, इसका मान है 400, और गुणा में एच, एच का मान कितना है, 3 है, तो ये आ जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 57 प्लस में, यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये दोनों 25 के पहाड़े से कट जाएंगे, ये 25 एकम 25, और ये हमारा 25 के पहाड़े से जो है ये पूरा 16 बार में कट जाएगा। अब देखिए आगे करते हैं, एक का गुणा होगा 3 में, तो ये 3 ही आएगा, बटे में क्या है 16। तो अब देखिए इस 3 बटे 16 को सॉल्व करेंगे, यानी कि हम 3 में 16 से भाग करके देखेंगे, तो जब हम भाग करेंगे 16 से 3 में, तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 0.1875, ठीक है। आप इसको भाग करके देखना, आपका आंसर जो है यही आएगा, मैंने पहले से ही भाग करके चेक कर लिया है, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इनको सॉल्व करने पर, यानी कि 16 से 3 में भाग करने पर 0.1875 आएगा, तो ये हमने लिख दिया। अब देखिए इसके बाद ये 57 प्लस में ये 0.1875 है, तो इसको हम 0.19 लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एक को तो एक लिख दिया, ये 875 किसके पास है, तो ये 875 इस 900 के पास है, तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद जब पॉइंट के बाद सिर्फ 00 हो, इसके बाद कोई अंक ना हो, तो हम 0 को जनरली लिखते ही नहीं है, तो इसीलिए 0.19 हो गया। अब हम 57 और 0.19 को जोड़ेंगे तो ये 57.19 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और इसमें आगे एक और चीज पूछा है कि आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है, तो ये तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, हमने पग विचरण विधि का प्रयोग किया है, तो यहाँ पर आप लिख लेना कि हमने माध्य ज्ञात करने के लिए पग विचलन विधि का प्रयोग किया है, ठीक है। बस आपको इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देने वाली थी कि जो इसमें हमें ये वर्ग अंतराल दिया है, तो ऐसा जब वर्ग अंतराल होता है तो एच जब लिखते हैं हम एच का मान, वो एच का मान लिखते टाइम आपको बस ध्यान रखना है, और इसमें कुछ भी अलग नहीं था। या फिर आप एच का मान इस एक्स आई वाले कॉलम में से लिखेंगे तो कहीं में भी कोई गलती नहीं होगी। तो आप कोशिश यही करना कि जब भी आप एच का मान लिखें तो इस एक्स आई वाले कॉलम में से लिखना। तो इस तरह से आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं पे कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको समझा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसी अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।